स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए भाई, अभी फिलहाल तो स्टॉक मार्केट एक ट्रेंडिंग बिजनेस के जैसा चल रहा है, और ये बिजनेस एक है, बहुत सारे लोगों को कहना सट्टा बजा रहा है, क्या है ये सब डिस्कशन में हम लोग नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक टू एडवांस पूरा नॉलेज देने वाला हूँ, और मैं आपको कंटिन्यूसली एक एक चीज करके सारी चीज़ें बताने वाला। और वैसे भी आप लोगों को मैं बैंक निफ्टी के बारे में प्रोडक्शन जो भी है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप आराम से सीख सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। और आप लोगों को अगर ये चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल में बाकी किसी ग्रुप में, देखिए क्या होता है, अगर एक ग्रुप बना दें तो उससे बेटर रहता है, कहीं आप गलती करते हो तो दूसरों को समझा सकते हो, गलती करता है तो आप उसको बता सकते हो। ये चीज़ें बेसिक हैं जिनको हमको जानना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में शेयर करिए, अपने सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा ये भी मुझे सपोर्ट करिए और सीख के लिए मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरा बताने वाला हूँ आज भी हम बात करने वाले हैं सिंपल कैंडल स्टिक कैंडल क्या होती है कैंडल के बारे में आने बताने वाला हूँ इस वीडियो में और देखिए कैंडल समझना की जरूरत है कैंडल क्या होती है कैंडल क्या होती है ना हमको बताती है ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड कौन सा है ठीक है और हमको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें करती है कैंडल ठीक है मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनने वाला है ये प्रिडिक्ट करने के हमें कैंडल बताती है। मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनने वाला है ये प्रिडिक्ट करने के हमें कैंडल बताती है। कैंडल दो ही टाइप की होती है, ठीक है, जनरली कैंडल तो बहुत सारी होती है, बट क्या होता है कैंडल दो ही टाइप की फॉर्म होती है, एक तो बेयरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, सिर्फ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एकदम बेसिक वीडियो, देखिए कैंडल क्या होती है, एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कैंडल कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी, और ये दोनों साइड पे वीक होती है। अब देखिए मैंने बताया कि अगर बेयरिश कैंडल होती है, मैंने बताया दो कैंडल होती है, बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, ठीक है। बेयरिश कैंडल का कलर जो होता है वो होता है रेड, और बुलिश कलर का क्या होता है ग्रीन। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जितने भी ब्रोकर हैं आपको देते हैं, मतलब जनरली क्या होता है इन्हीं दो कलर सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है आदत होती है और इजी पड़ता है समझने के लिए। आप चाहो तो इनको ब्लैक एंड व्हाइट भी चेंज कर सकते हो, और भी हैं बहुत सारे कलर्स जो आपके फेवरेट होंगे भी चेंज कर सकते हो आप में, बट एज अ ट्रेंड में कैंडल देखिए इस तरह की फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं कैंडल, जो भी मार्केट की प्रेडिक्शन और प्राइस एक्शन की प्रेडिक्शन के लिए काम आती है, हमारे ट्रेड सेटअप के लिए काम आती है, ठीक है। और क्या होता है, बेयरिश कैंडल होती है रेड कलर की और बुलिश कैंडल होती है ग्रीन कलर की। रेड कलर की कैंडल का फॉर्म होती है और ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्म होती है, ये समझिए। अगर ओपनिंग यहां पे हो और क्लोजिंग यहां पे हो तो इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर कहीं ये काम उल्टा हो जाए, ओपनिंग यहां पे हो और क्लोजिंग यहां पे हो तो इस कैंडल को बोलते हैं बेयरिश कैंडल। यही दो चीजें होती हैं, फिर अगर नीचे ओपनिंग हो ऊपर, मतलब प्राइस ऊपर जाके बंद करे तो वो क्या होगी ग्रीन कैंडल, यानी कि बुलिश मार्केट हो रहा है, इसलिए वो ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। अगर ओपनिंग नीचे हो और क्लोजिंग नीचे हो जाए तो उसको ओपनिंग ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेयरिश, यानी कि प्राइस एक्शन कर रहा है गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे बेयरिश कैंडल, यानी रेड कलर की कैंडल फॉर्म होगी। इसका क्या होता है, ये जो ऊपर होता है इसको हाई बोलते हैं और ये जो नीचे होता है इसको लो बोलते हैं। ये जो चार पॉइंट होते हैं कैंडल के ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये इसको विक बोलते हैं, इसको रियल बॉडी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं रियल बॉडी। इसको अपर विक बोलेंगे, इसको लोअर विक बोलेंगे, ठीक है। शैडो भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, आप समझ सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे इन दोनों चीजों में। लेकिन देखिए अब आप बोलोगे सर आपने सर कितना भी बताया क्यों जरूरी है, देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है आपको बोला जाता है सपोर्ट ट्रेंड करना, सपोर्ट लाइन बनाने के लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, तो उसमें ऐसा होता है कि हम विक का इस्तेमाल करें या फिर बॉडी का इस्तेमाल करें, इसलिए हमको इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेड कैंडल कब बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है तो
उसका मतलब क्या होता है, अगर रेड बनी तो प्राइस एक्शन गिर रहा है, प्राइस गिर रही है, और ग्रीन बनती है तो प्राइस अप जा रही है, इसके लिए कैंडलस्टिक हमको समझना भी जरूरी है और कैंडल क्या होती है वो जानना भी जरूरी है। अभी ये पहला वीडियो है और इसके लिए मैंने आपको सिर्फ आपको कैंडल के बारे में बताया। अब यहाँ से मैं आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी के बारे में धीरे धीरे सब एक एक करके बताता हुआ जाऊँगा और आपको बहुत से ट्रेड सेटअप दे दूंगा, ठीक है। और मैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी बात करने वाला हूँ जिससे ट्रेडर कमाता है, मेन चीज वही होती है। देखिए सेटअप ले लेना या फिर पढ़ लेना चार किताबें, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप रियल मनी ट्रेड नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपको इन चीज़ों में पता नहीं चलेगा। वैसे मैंने पेपर ट्रेड करके ट्रेडिंग कैसे सीखते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी मैंने एक वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हैं, वो मैं आपको इसके लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, पहली चीज। और दूसरी चीज़ पेपर ट्रेड का, मैं इस वीडियो पूरे पेपर ट्रेड किस तरह से हुआ और किस प्राइस एक्शन पे मैंने काम किया है वो वीडियो भी मैं आपको पूरे चार्ट वाइज दिखा के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग के बारे में कल संडे संडे को आई थिंक संडे और मंडे को भी मैं पेपर ट्रेडिंग कराता हूँ, तो मंडे को डालूंगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कैंडल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।